हम लोग गंगा का पानी लाते ना घर में, तो यह मंदिर मानदाता ऋषि जो थे राम जी के वंशज थे उनके हर हर महादेव दोनों पुत्र हर हर महादेव जय श्री ओंकारेश्वर महादेव आपका स्वागत है मेरे चैनल खुशी असवाल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं कहाँ आई हूँ आप देखें, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर, भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मानदाता द्वीप पर स्थित है। के अनुसार इस ओमकार पर्वत पर 33 कोटि देवता, 67 तीर्थ, 120 गुप्त रुद्रलिंग तथा 12 प्रकट तीर्थलिंग हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ, जो उज्जैन से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हो गए हैं हमें सूर्य देवता के दर्शन, क्योंकि सुबह हम 5 बजे वहाँ से निकल गए थे उज्जैन से, और अभी देख लीजिए सूर्य देवता भी इन्हें दर्शन देने लग गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हमको शुरू हो गई है घाटी, देखिए दोनों तरफ बहुत घना जंगल है और यहाँ पर रोड भी थोड़ी सी कंजेस्टेड है, इसलिए यहाँ घाटी में ड्राइव भी बहुत आराम से करना पड़ता है। ओंकारेश्वर जाने के लिए इंदौर से ट्रेन भी जाती है और बाई कार भी जा सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों रास्ते में एक बहुत बड़ा शनि मंदिर यहाँ पर है, जो भारत का सबसे बड़ा शनि मंदिर माना जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ओंकारेश्वर जाने वाले रोड पे इतना सुंदर कैफे बना हुआ है, दोनों तरफ जंगल, वाओ सो ब्यूटीफुल सो नाइस। तो अभी हम लोग ओंकारेश्वर मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में हमें देखिए इतना सुंदर कैफे यहाँ पे मिला हुआ है और ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पर घने जंगल हैं, बिल्कुल खंडवा पहुँचने वाले हैं, 20-30 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। गाइस आप यहाँ पर बच्चों के लिए भी आप देख पा रहे हैं इस तरह से भांगड़ा डांस। सो फ्रेंड्स हमने पूरा जंगल क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ही अब हम पहुंच गए हैं नर्मदा माई के, देखिए इस ब्रिज में जा रहे हैं और इस ब्रिज को पार करते ही हम पहुंच जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर। तो दोस्तों आज हम उस मां नर्मदा के आखिरकार तट पहुंचने वाले हैं, महादेव की कृपा से उनके ही अंक से उत्पन्न यह देवी नर्मदा नदी है। वह नर्मदा मनुष्य लोक के सब पाप तापों को दूर करने वाली है। तो हम ओंकारेश्वर पहुंचने वाले हैं गाइस, अभी बस थोड़ा सा रह गया है, नर्मदा मैया में हमने क्रॉस कर लिया है ब्रिज, 12 किलोमीटर 15-20 मिनट का रास्ता, ये रास्ता अच्छा है, ये बहुत साफ है, ये देखो डीएम डीएम वो पुलिया ने डीएम सब आ गया, ये डैम है सामने नर्मदा नदी पर बना हुआ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर में और हम यहां से लेंगे अपना प्रसाद। चलो ये हमने प्रसाद ले लिया दोस्तों, ये भैया से, उधर बहन से, यहाँ पर भी बहनें बैठी हुई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ गॉड। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर और हम अभी नर्मदा मैया के ब्रिज पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना पावन और कितना पवित्र कितना निर्मल। तो दोस्तों अभी हम झूला पुल से मंदिर की तरफ जा रहे हैं, सामने मंदिर दिख रहा है और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नीचे कितनी बोट्स लगी हुई हैं, वहाँ पर बोटिंग हो रही है। अच्छा ये इसी परिक्रमा होती है सारी जगह, पंडित जी कुछ बता रहे हैं, डैम बनाना भाई बहुत ऊपर से पानी पालम गुणागार
संसार पारम न तो हम उमामी शमीशा निर्वाण रूप नर्मदे मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल भाल आकर जो खुशी मिल रही है वो हमें शायद कहीं और नहीं मिली होगी लाइफ में। बहुत ही सुंदर मंदिर चारों तरफ से, आप देखिए ब्रिज के ऊपर हम जा रहे हैं अभी, उस ब्रिज को हम क्रॉस करके आए थे, इस ब्रिज में हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने माला ले ली है, बहुत सुंदर आंकड़े की और गुलाब, और ये कौन सा फूल है दीदी? आंकड़े का ही है ये, देखिए दोस्तों सफेद आंकड़ा और पर्पल कलर का आंकड़े का। अभी हम मंदिर के अंदर की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, और अभी पूजा करते हैं वहाँ पर। अंदर कैमरा आदि वीडियो बनाना अलाउड है या नहीं, लेकिन देखते हैं, चलो पूजा। पंडित जी जल भर रहे हैं, देखो पंडित जी इतने भी डाल देंगे उसी जल से अभिषेक होगा भगवान पीछे हो जाए। आइए फ्रेंड्स, यहां से मेन मंदिर के लिए लाइन शुरू हो जाती है, और यहां पर आप देख रहे हैं चारों तरफ जो पिलर्स बने हुए हैं इनका डिजाइन काफी एंटीक है। जैसे ही हम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। इस मंदिर में विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी हैं, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोगों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। जहाँ पर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का बना हुआ है, ऐसी मान्यता है कि लिंग के नीचे हमेशा बने रहने वाला जल नर्मदा का जल है। इस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण किया जाता है। आप यह कीर्तन धर्म करना चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, जिस जगह पर आप बैठे हो पूरा पर्वत कोण के आकार का है। यहाँ पे राजा मानधाता तपस्या की थी, रामचंद्र जी के पूर्वज राजा मानधाता हुए थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उनकी तपस्या से भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। शिव जी ने साक्षात दर्शन किया था, राजा मानधाता को साक्षात दर्शन किया था, शिव जी बोले आप मैंने कहा हमको सब कुछ मिल गया, हम तो क्या मिल रहे हो, राजा बोले कि आप हमको मिल गया सब कुछ मिल गया, आपको कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो ऐसा करो कि आपका नाम मेरे नाम से जुड़ा रहे, मानधाता गाँव का नाम ओंकार से खेल का नाम मानधाता गाँव का नाम प्रॉपर, आज तक ओंकार के नाम से शुरू हो गया है, बाकी प्रॉपर गाँव का नाम मानधाता है, ओंकार से खेल का नाम, ठीक है ना, ये पूरा ओम का आकार है इसलिए इसका नाम ओंकार से रखा गया, ठीक है ना। ये नर्मदा भैया सिद्धि की पूर्ति है, चारों तरफ से घेरे हाँ, नर्मदा जी सिद्धि की पूर्ति है, नर्मदा का हर कंक का शंकर होता है, हाँ नर्मदा का हर कंक का शंकर होता है, ठीक है ना। एक मंदिर और है उधर ममलेश्वर, उस पार पहले लोग यहाँ नहीं आ पाते थे, पहले डैम पुल वगैरह नहीं बने थे, उस जमाने में साधन नहीं था इधर आने का, तो लोगों को यहाँ का दर्शन करना मुश्किल हो जाता था, तो गुरु शंकराचार्य जी ने वहाँ स्थापना की थी, जो यहाँ नहीं आ पाएगा वहाँ भी दर्शन कर लेगा, उसकी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो मंदिर दो है, ओंकार ज्योतिर्लिंग एक ही ओंकार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर भी यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, ये देख लीजिए, ये है मंदिर जाने का रास्ता। उस पार मंदिर ममलेश्वर महादेव का मंदिर दिख रहा है,
और ये हम करके आ गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं। भगवान ममलेश्वर मंदिर उस पार है और यहाँ पर बोटिंग होती है, लोग यहाँ से नाव से भी वहाँ पार जाके मंदिर के दर्शन करते हैं और इस ब्रिज से भी दर्शन करते हैं। जब पहले ये ब्रिज नहीं हुआ करती थी तो वहाँ पर गुरु शंकराचार्य जी ने वहाँ पर ममलेश्वर मंदिर का निर्माण किया, उन्होंने वहाँ पर स्थापना की भोलेनाथ की, तो लोग दर्शन वहाँ पर ही किया करते थे। आज यहाँ पर ब्रिज भी बन गया है और पूरी बोटिंग भी हो रही है, पूरा नौका विहार भी हो रहा है। ये देखिए मंदिर के नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। माँ नर्मदा आपको दिख रही हैं, नर्मदा माई के तट पर बना इस पार ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन और उस पार ममलेश्वर भगवान, और पूरी सिटी दिख रही है आपको, मान गांव यहां पर बताया गया है। ये देखिए बनाए गए हैं, ये सुंदर नजारा भगवान ओंकारेश्वर मंदिर का है और ये सुंदर से कीर्तन भजन आप देखिए, लोग मन में बिल्कुल उत्साहित होकर भजन कीर्तन बाबा जी देखिए कैसे गा रहे हैं। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है, ओम के आकार में बने धाम की परिक्रमा करना भी उतना ही आवश्यक है। भगवान शंकर हैं। तो दोस्तों मानदाता ऋषि के नाम से ही यहाँ पर इस गांव का नाम मानदाता पड़ा है। मानदाता ऋषि कौन थे, वो राम जी के वंशज माने गए हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत कठिन तपस्या करी थी भगवान भोलेनाथ की। तो भगवान भोलेनाथ ने उनसे प्रसन्न होकर बोला कि मानदाता आप कुछ मुझसे मांगिए, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो भगवान मानदाता ऋषि ने बोला कि भगवान आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने नाम के साथ मेरा नाम ओंकारेश्वर भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं और अभी हम ब्रिज में ही चल रहे हैं फिर से। तो ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करके आपको दिखा देती हूँ वहाँ से। जब भगवान ममलेश्वर के दर्शन होंगे तो यहाँ की यात्रा पूरी हो जाएगी, इसीलिए हम ठीक। प्रसाद और सामान आप तो फ्रेंड्स अब हम निकल पड़े हैं ममलेश्वर मंदिर की तरफ और यहाँ पर सीढ़ियों से हमें थोड़ा जाना पड़ेगा मंदिर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अभी गर्मी हो रही है, मैंने अपने स्वेटर वगैरह सारे निकाल दिए हैं, जैकेट वगैरह, और यहाँ आप देखिए पूरी दुकान फिर से मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हमने ममलेश्वर भगवान के लिए भी प्रसाद ले लिया है, देखिए बहन कितने अच्छे से प्रसाद टोकरी में सजा रही है। ये देखिए गुलाब, इतना प्यारा टोकरी फूलों से भरा हुआ, 10 रुपए में दे रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने गुलाब ही गुलाब यहाँ रखे हुए, देखिए बहुत मन से सजाया है आपने ये टोकरी। देखिए आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है बहन। ये देखिए दोस्तों प्रसाद की दुकान और इधर भी प्रसाद, ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। नंदी जी के दर्शन कीजिए दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए पुराने मंदिर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ममलेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग इसके अंदर ही है। और अभी मंदिर उस समय के लिए बंद हो गया है तो अभी दर्शन के लिए हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही पुराना मंदिर बनाया गया, आदि गुरु शंकराचार्य जी के टाइम का मंदिर बना हुआ है
आगे देखिए कितने पुराने पिलर से ही पता चल रहा है, हजारों हजारों साल पुराना मंदिर। और ये मंदिर कहाँ है, इस तरफ पंडित जी सारे बैठे हुए हैं, आप अपनी पूजा करा सकते हैं। महंकार मुंकार ममलेश्वर वरल्या वेदनाथम चाकिना भीमशंकर हेतु वंदे तुरांगेश्वर नागेश्वर दारकान वारण्या सीतम त्र्यंबकम वम पुत्र भोग लग रहा है भगवान को, तो आधे घंटे के लिए रोक लिया है हम लोगों को, फिर हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर देखिए नंद जी के दर्शन, नंदी जी बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। भगवान आप पर भी कृपा करेंगे, आप भी अच्छे से दर्शन कीजिएगा भगवान के। और अंदर फोटो खींचना मना है यहाँ पर, मैं बाहर से ही आपको दिखा। नर्मदा माई का हर कंकर में शंकर का वास है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पंडित जी लोग पूजा कराते हैं। आप हमने भी अभी ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा कराई वहाँ पर पंडित जी द्वारा, और जल अभिषेक कराया, वो आप देख चुके होंगे और आपको देखकर बहुत आनंद आया होगा। तो देख लीजिए, मेरी यही तमन्ना रहती है कि हर वक्त मेरी यही विश रहती है कि मैं दर्शन करती जाऊं और आप लोगों को भी दिखाती जाऊं अपने दर्शन के माध्यम से। और जब भी मैं जहां भी जाती हूं तो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी दर्शन कीजिएगा अच्छे से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने जरूरी होते हैं, उतना ही ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन करना जरूरी होता है। 12 ज्योतिर्लिंग श्लोक के अनुसार, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। चलते हैं अभी घाट की तरफ, नीचे नर्मदा माई की तरफ को चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कुछ नौका विहार हो पाता है, देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है नर्मदा मंडन घाट, यहाँ पर नाव विहार बिल्कुल नौकाएं विहार होती हैं नर्मदा के तट पर। और यहाँ से देखे श्री ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन, चौथा ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं। उस पुल में हम अभी जब जा रहे थे तो आपको हमने वहाँ से भी दर्शन कराए, अभी हम इस तरफ हैं ममलेश्वर भगवान की तरफ हैं, ममलेश्वर महादेव की तरफ। इस घाट के आसपास आप देखिए यहाँ पर प्रसाद वगैरह सब कुछ, ये देखिए। तो दोस्तों, सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम घाट पर आए और सोचा था यहाँ पर हम भी बोटिंग करके परिक्रमा करेंगे, पर आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, हमें इंदौर वापस जाना है। और महादेव मंदिर भी देख लिया है, ओंकारेश्वर मंदिर आप देख सकते हैं उस तरफ है ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पर हो रही है अभी पूरी बोटिंग, वो भी मैंने सारा वीडियो आपको दिखा दिया है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अब आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, हर हर ओंकारेश्वर, हर हर नर्मदे।